ये बच्चे खून जला करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर। किसी का ट्रेनिंग लगे, किसी को छुट्टी में जाए, इससे ग्रामीण वासी को और जो है यहाँ के बच्चों को क्या मतलब है? यहाँ के बच्चों को तो पढ़ाई चाहिए, टीचर चाहिए ना। स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है दोपहर में, तो ये बच्चे जो है 9 बजे खा करके आ करके शाम के 7 बजे तक इंतजार करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिलीप गुहार, मैं पहुंच गया हूँ दंतेवाड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्र जंगम पाल में। जी हाँ बिल्कुल, दंतेवाड़ा का आखिरी छोर पड़ता है, घोर नक्सली क्षेत्र ये पड़ता है। इधर दिखाइए, शासकीय माध्यमिक शाला जंगम पाल ये है। 3 टीचरों की यहाँ पर जो है पोस्टिंग है, 2 की ट्रेनिंग लग गई है, 1 टीचर जो है लगातार गोल मारते हैं और जो है बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है, बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना, ये स्थिति यहाँ पर है। बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। संकुल जंगमपाल, विकासखंड कटे कल्याण, जिला दंतेवाड़ा। इधर आइए। तो क्या बना रहे थे आप? लिख रहा था। क्या लिख रहे थे? तो थोड़ा इधर जो है ये श्री के सत्यनारायण सिंह, ये बहुत छुट्टी मारते हैं बोलते हैं, सही है गलत है? सही है सही है सही है सही है सही है। हाँ, उसको बर्खास्त किया जाए, सही है, नहीं आता उसके बदले में ना कोई दूसरा टीचर है तो बहुत टीचर चल जाए यहाँ तो बहुत उसको मारता है ना। अभी जुलाई अगस्त तो वैसे बीत गया, वो आया नहीं है। अभी सितंबर चल रहे थे, सितंबर का महीना में ही उसको मैं देखा हूँ, जुलाई अगस्त में मैं देखा ही नहीं उसको। और ये अभी भी कंटिन्यू इस महीने सीएल पे हैं, लगातार सीएल ले रहे हैं, इतना छुट्टी क्यों लेते हैं ये साहब? कुछ काम आ जाता है बोल रहे हैं, मतलब आज के डेट में हम लोग यहाँ पर जो है फैक्ट चेक करने आए हैं कि स्कूल में सर आते नहीं आते हैं। आज कितने शिक्षक आए हैं बता दो? आज तो कोई नहीं है, मतलब एक भी नहीं आए हैं। दो सर का ट्रेनिंग लगा हुआ है, तो दोनों टीचर ट्रेनिंग में दो जो ट्रेनिंग में है ना, जी कल भी लगा था जी उनका अभी है, और एक सर का तो कल आए थे, एक सर दरअसल उनका आज से ट्रेनिंग लग गया है। और जो एचएम साहब हैं ये हमेशा लगभग छुट्टी में रहते हैं, मतलब हाँ जी। किसी का ट्रेनिंग लगे, किसी को छुट्टी में जाए, इससे ग्रामीण वासी को और जो है यहाँ के बच्चों को क्या मतलब है? यहाँ के बच्चों को तो पढ़ाई चाहिए, टीचर चाहिए ना। आप ट्रेनिंग लगाइए, 10 की ट्रेनिंग लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बदले में अटैच में तो दूसरा टीचर उस दिन में होना तो चाहिए। बाबू, आप लोगों के यहाँ पर स्कूल में कब से खाना नहीं बन रहा है? कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया, क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बन रहा है बताओ बताओ? गैस नहीं, गैस नहीं है बोलते हैं। कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो, गांव में रहते हो? हॉस्टल। सुबह कितना बजे खाना मिलता है हॉस्टल में? 7 बजे। 7 बजे भात? 7 बजे मिलता है? नहीं। भात कितना बजे मिलता है स्कूल में? बस स्कूल बोल रहा हूँ, आपका जो हॉस्टल है वहाँ कितना बजे खाना मिलता है? 9 बजे। 9 बजे। और शाम को कितना बजे मिलता है? 7 बजे। 7 बजे। दिन में कैसे करते हो, भूख लगता है? नहीं लगता? लगता है। लगता है, ठीक। आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो, गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो? हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हो, तो सुबह 9 बजे खाना मिलता है, फिर शाम को 7 बजे मिलता है, दिन में भूख नहीं लगता है? लगता है। कैसा करते हो फिर, क्या करते हो? स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है दोपहर में, तो ये बच्चे जो है 9 बजे खा करके आ करके शाम के 7 बजे तक इंतजार करते हैं। बस्तर विकास ऐसे ही तो होगा, बस्तर संभाग का विकास, है ना? ना यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर है, बताइए। खाने को जो है इधर खाना नहीं मिल रहा है, कोई त्योहार बनाए, छुट्टी में जाए, कुछ भी करे, उसके बदले में खाना देने वाले बना के होने चाहिए। चाहे 10 शिक्षक की ड्यूटी लग जाए, लेकिन उसके बदले में अल्टरनेट पढ़ाने वाले स्कूल में होने चाहिए। आप लोगों के स्कूल में अभी खाना नहीं बन रहा है? नहीं बनता है। नहीं बनता है, तो एक बात बताओ, कहाँ रहते हो आप लोग? हॉस्टल में। हॉस्टल में, तो सुबह 9 बजे खाते होगे उधर? एक एक दिन लेट में मिलता है। क्या चीज? खाना। कहाँ पर? हॉस्टल में। एक एक दिन लेट में मिलता है? जी। कैसे, कितना लेट होता है, कैसे लेट होता है, मतलब? 10 बजे आता है। कभी 10 बजे देते हैं? जी। मतलब हॉस्टल में खाना लेट से भी मिलता है, कभी जल्दी मिलता है, कभी लेट से मिलता है, ऐसा चलता है, टाइम पे नहीं मिलता है? जी।
रोज सुबह नाश्ता मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या खाते हो नाश्ते में? दलिया, सूजी, अंकुरी चना, पोहा, ये सब मिलता है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है वहां से 9-10 बजे खा के आते हो। अभी स्कूल में कितना दिन से नहीं मिल रहा है आप लोगों को खाना? बहुत दिन हो रहा है। बहुत दिन हो गया नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में दिन में भूख लगता है? जी। कैसे करते हो भूख लगता है तो? ऐसे रहते हो। फिर शाम को कितना बजे मिलता है? 7 बजे। 7 बजे मिलता है। ये बच्चे खून जला करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले नहीं। रसोइयों की व्यवस्था भी नहीं अच्छी से यहाँ? नहीं, वो नहीं आ रही। मैंने एक सप्ताह हो गया बोल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। एक सप्ताह से बच्चे दिन में भूखे यहाँ रह रहे हैं। अब डीओ साहब अगर उनको लगता है सही कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए तो संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि नक्सली